बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakgrill.com.pk। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। आज की जो न्यूज़ है वो आपके साथ है साजगार कंपनी की। सबसे पहले अगर हम साजगार कंपनी अगर हम हिस्ट्री की तरफ जाएँ तो साजगार कंपनी जो है पाकिस्तान के अंदर ग्रीन फ्लैगशिप की हैसियत रखती है, जो कि फोर स्ट्रोक ऑटो रिक्शा बनाने की है। बट 2016 से 2021 की ऑटो इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत इसके अंदर जो है इन्होंने ग्रीन फ्लैगशिप हासिल की है गाड़ियां बनाने के लिए। एम्पोरियम मॉल की पार्किंग के अंदर जो गाड़ी नज़र आई है साजगार की बेक D20 है। इसे D20 सिडान कैटेगरी के अंदर भी मिलती है और हैचबैक के अंदर भी मिलती है। जो पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ कराई गई है या जो गाड़ी नज़र आई है वो है हैचबैक, और हैचबैक ये गाड़ी जो अगर हम इनकी जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन नंबर की तरफ जाएं तो ये गाड़ी जो है वो साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम पे जो है वो गाड़ी मुतारिफ की है। मतलब इसको जो है वो सून द पाकिस्तान ये लोग अपनी लॉन्च करें, क्योंकि गाड़ी इंपोर्ट होती है, टेस्ट मॉडल होते हैं, रोड टेस्ट होता है, उसके बाद ही गाड़ी को मुतारिफ कराया जाता है। 2018 के अंदर जो इनकी टीम मैनेजमेंट थी उन्होंने एक प्रेस रिलीज़ के अंदर कहा था कि 30 जून 2019 तक जो है हम अपना प्लांट मुकम्मल कर लेंगे और 25,000 पर यूनिट जो है वो गाड़ियां एक साल के अंदर मुतारिफ कराएंगे। अभी तक जो है इनकी कोई ऐसी खबर नहीं आई कि गाड़ियां प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, मार्केटिंग में ला रहे हैं या कौन कौन सी गाड़ियाँ मुतारिफ कराने जा रहे हैं। इनका जो है वो प्रोडक्शन एरिया वो रायवन रोड लाहौर पर है, और इन्होंने अभी जो है मज़ीद इन्होंने जगह भी खरीदी है जो कि मांगा मंडी लाहौर के अंदर काउंट की जाती है। अगर हम बैकग्राउंड और स्पेक्स की तरफ चलें जो कि बैक या साजगार कंपनी की जो BAIC इसे कहते हैं और D20 गाड़ी जो कि मुतारिफ कराई गई है या नज़र आ रही है रोड के ऊपर स्पॉट की गई है, तो वो हैचबैक कैटेगरी है। इसकी जो प्राइस है वो 18 लाख रुपये इनकी इनवाइस रेट के ऊपर मैंशन किया गया है, जो कि साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम पे है गाड़ी। जहाँ तक D20 के इंजन का ताल्लुक है तो इसके अंदर जो आपको इंजन कैपेसिटी मिलती है 1.5 लीटर मिलती है, और याद रखें ये 1.3 और 1.5 लीटर दोनों के अंदर ही मुतारिफ रहेगी ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर ऑफ सिलेंडर 4 है, ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक है, हॉर्स पावर 114 है, ड्राइव टाइप फॉरवर्ड व्हील है। जहाँ तक D20 की डायमेंशन का ताल्लुक है तो इसके अंदर जो आपको मिलती है ओवरऑल लेंथ 4322 मिलीमीटर, वेट 1720 मिलीमीटर, हाइट 1500 मिलीमीटर मिलती है। और जहाँ तक इसके रिम्स का ताल्लुक है तो 14 इंच के आपको अलाय मुतारिफ कराए गए हैं। अगर हम लोग इस गाड़ी के डायरेक्ट अगर हम वॉकराउंड की तरफ जाएँ, क्योंकि एज़ पर जो इस जो स्पेक्स हैं फीचर्स जो हैं वो बहुत ही चंद जो हैं वो एज़ पर हम गाड़ी के इंस्पेक्शन के दौरान ही हमें मालूम हुए हैं, तो हम उसको साथ ही साथ वॉकराउंड की तरफ जाएंगे। जहाँ तक गाड़ी के फ्रंट हेड नोज़ का ताल्लुक है तो जैसे ही आप फ्रंट हेड नोज़ की तरफ देखते हैं तो आपको जो है सामने इसकी दो कर्विंग शेप की जो है वो इसकी ग्रिल्स हैं जो कि इसी का लोगो बनाती हैं, जो बेक के साथ है। D20 का जो है वो इसका मोनोग्राम फ़िलहाल पिक्चर्स में आप देख सकते हैं। जहाँ तक हेड लैम्प का ताल्लुक है तो हेलोजीन, और साथ ही साथ जो है वो आपको इसका जो है प्रोजेक्शन हेड लैम्प भी मिलता है। साथ डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं, साइड टर्निंग इंडिकेटर ड्यूल शेड्स के अंदर आते हैं, नीचे फॉग लैम्प्स हैं। उसी के साथ अगर साइड लुक में देखा जाए तो एरोडायनामिक स्टाइल इसकी बॉडी है, साइड टर्निंग बल्ब्स हैं जो कि DRL टाइप लुक हैं, जो कि साइड उसके शीशों पर नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ 14 इंच के जो है इसके अलाय मुतारिफ कराए गए हैं। अगर हम गाड़ी के रियर साइड का ताल्लुक है तो रियर साइड के अंदर जैसे देखते हैं आपको हाई ब्रेक माउंट लैम्प मिलता है, उसके साथ रियर वाइपर की जो है वाइपर नोजल मिलती है, रियर वाइपर मिलता है, डिफॉगर्स हैं, बिग टेल लैम्प्स मिलते हैं। उसी के साथ नीचे जो है वो इसका रिवर्स गियर रिवर्स कैम मिलता है, नीचे बेक का लोगो है। उसी के साथ नीचे जो है रिफ्लेक्टर्स मिलते हैं, थोड़ा स्पोर्टी लुक टाइप जो है वो इसका आपको डिफ्यूज़र मिलता है, रियर बम्पर के अंदर पार्किंग सेंसर भी हैं। जहाँ तक गाड़ी के इंटीरियर का ताल्लुक है, क्योंकि अभी जो आप पिक्चर देख रहे हैं इंटीरियर के अंदर वो हैं जो इसकी इंटरनेशनल मार्केट है, क्योंकि हमारे पास जो पिक्चर्स आई हैं उनके ऊपर किसी थर्ड पार्टी कंपनी का जो है वो वाटर मार्क है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है वो अंडर द पॉलिसी एक्ट के ख़िलाफ़ है। तो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं आपको जो है वो सबसे पहले जो है वो बैक का जो है वो इसका सिग्नेचर स्टेयरिंग मिलता है, उसके अलावा मल्टीमीडिया कंट्रोलिंग मिलता है, साइड चारों दरवाजे इसके पावर विंडोज़ हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर हैं, अरे कंट्रोलिंग मिरर भी अंदर हैं। उसी के साथ जो है वो इसके चार AC के वेंट्स हैं। अगर जहाँ तक मीटर क्लस्टर की बात है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि RPM गेज है, उसके बाद स्पीडोमीटर है, डिजिटल मीडिया कंट्रोलिंग सिस्टम है, तमाम सेंसर जो हैं वो इसके अंदर ही मौजूद हैं। हेड लैम्प कंट्रोलिंग ऑप्शन मिलता है, फॉग लैम्प्स के ऑप्शन मिलता है। इसी तरह इसके सेंटर कंसोल के अंदर जो है वो LCD पैनल दिया गया है जो कि USB ब्लूटूथ AUX कनेक्टिविटी GPS और नेविगेशन के साथ मिलता है। उसके नीचे आप क्लाइमेट कंट्रोल अब डिजिटल मिलता है, नीचे कंसोल मिलता है, दो कप होल्डर्स मिलते हैं, 12 वोल्ट DC अडाप्टर चार्जर मिलता है, और सबसे बड़ी जो चीज़ की जो मुझे पसंद आई है जो कि इसका गियर लीवर है वो CVT गियर बॉक्स के साथ है। इसी तरह जो इंटीरियर है वो जो हमारे पास जो इंटरनेशनल पिक्चर्स हैं वो 3-टोन गेज के साथ हैं।
बट रैंडमली जो पाकिस्तान के अंदर जो इम्पोरियम मॉल के अंदर दिखाई गई है वो टू टोन गेज के साथ इंटीरियर है इसका। इसी तरह जैसे दरवाजे आप ओपन करते हैं, दरवाज़ों के अंदर जो है वो आपको ओपनिंग वेलकमिंग जो है इसका डोर लैम्प्स भी मुतारिफ़ कराए गए हैं। जहाँ तक एक चीज़ मैं गाड़ी के अंदर देख रहा था कि गाड़ी के अंदर जो है वो सनरूफ भी मुतारिफ़ कराया गया, जो कि 18 लाख की कीमत के अंदर 1500 या 1300 CC के अंदर जो होने के साथ साथ जिसके अंदर जो सनरूफ दिया गया ये पाकिस्तान के अंदर एक कह लें कि तोहफा ही है। अगर 18 लाख के अंदर भी ये 1300 या 1500 CC के अंदर हैचबैक इतनी फुली लोडेड गाड़ी आती है विद ABS EBD टेक्नोलॉजी के साथ तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर जल्द और जल्द लॉन्च कर दी जाएगी और इसी कीमत के अंदर ही लॉन्च की जाए। ये ना हो कि अभी 18 लाख बता रहे हैं, जब पता चले 2 साल बाद गाड़ी लॉन्च करें तो पता चले 25, 30, 40 लाख तक ही पहुँची हो। तो क्योंकि कंज्यूमर के पास जो है बाइंग कैपेसिटी बहुत कम रह गई है, तो अगर ये 15 लाख तक की भी होती है तो ये तो खैर बहुत ही बड़ा तोहफा कह सकते हैं हमारे लिए, अवाम के लिए। मगर 18 से 20 लाख के अंदर भी ये चीज़ें रहती हैं तो किया पिकांटो से तो बेहतर है। मैं इस किया पिकांटो की बुराई नहीं कर रहा, बट एज पर इसके स्पेक्स, फीचर्स, इसके इंजन, ट्रांसमिशन, इसके बॉडी स्टाइलिंग, इसके कलर गेज, उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। जहाँ तक इसके अंदर जो चीज़ें कमी बेशी रह गई हैं, जैसे ही इंशाल्लाह इसके अंदर कोई नई चीज़ आती है हमारे पास, नई अपडेट आती है, उसका हम रिव्यू आपके साथ ज़रूर लेके आएंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपके साथ जल्द अज़ जल्द जो है वो इसके अंदर जो एज़ पर एक्चुअल इसकी इमेजेज़ हैं जो कि लाहौर के अंदर दिखाई गई हैं, लाहौर के अंदर स्पॉट की गई, हम अपने रिसोर्सेज के तहत हासिल करें और आपको दिखाएं। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बाकी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।